Good evening, dear students. Welcome to Super Grads. And as I said in the morning, Vistas ka hamara discussion pura ho chuka tha. Summary mein aapko bata chuka hoon. Chapters mein aapko samjha chuka hoon. Ab mera role students yahan pe hota hai khatam. Ab aapka role start hota hai ki aapne kitna seekha aur aap use implement kar pa rahe ho ya nahi. Jo baatein mein aapko CUET mein bolta tha, wohi baatein mein aapko boards mein bhi bolunga ki it is all about implementation. Learning wala part students hamara ho chuka hai khatam. So as I can see, you guys have been waiting for the last 2-3 minutes. Hi there, Astha and Tani. Take care. So seems like everybody is here. So without wasting any time, let's now move to the questions. Long answer question ho, short questions ho, one markers ho, two markers ho, 5 marks, 6 marks a question ho. Hum apni strategies develop kare aur wo strategies hum har jagah implement karenge, har jagah wo help karegi. That is how we should approach answer writing when it comes to your exams. Similarly, kal se aapko pata hai ki Vistas khatam ho gayi hai, kal se Flamingo start karenge. Flamingo mein bhi kal poetry wale jitne aapke 5 chapters hain, un 5 chapters ko one shot khatam karenge morning session mein, evening session mein karenge uski practice. So I hope everyone is ready now. बता दो भाई बच्चा पार्टी जल्दी से कमेंट करके और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये सारी चीजें बेनिफिशियल है. सो लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस गाइस एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू. आई होप व्हाट इज रिटन इन द बोर्ड आई थिंक इट इज परफेक्टली लेजिबल. व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन यहां पर है. अब जो बात लिखी है ठीक है क्वेश्चन है आंसर कर देंगे वो तो ठीक है. आपको ये देखना है कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे चीजों को डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है कितना इलैबोरेट करना है कितना अब्रिज करना है इन बातों पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तान्या ठीक है आस्था सिंह धैर ठीक है मोहित हाय मोहित हाय ओ यू. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस ठीक है क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर आप देख सकते हो आंसर आई नो कि आप पूरे साल पढ़ रहे हो पूरे साल आपके पास भी प्रैक्टिस मटेरियल होगा कंटेंट होगा एक एक दैट बट एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग और एक एवरेज मीडियोकर आंसर राइटिंग दोनों बातों में डिफरेंस है. सो हम अपनी चीज को कैसे एनहांस कर सकते हैं उस पर जरा ध्यान देते हैं. नहीं पीवीआईपीस पर फोकस नहीं कर रहे हैं ये सीरीज थोड़ी सी आई वुड से लेट स्टार्ट हुई है बट ये आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी विस्टाज ऑफ फ्लेमिंगो वाली. इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए आपको राइटिंग स्किल्स पे और किसी टेक्निक्स पे तो वो वीडियो के एंड में आप कमेंट करोगे ताकि टीम विल सी दैट एंड वील प्लान अ सेशन फॉर इट. नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट. सो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू यहाँ पे क्या बात लिखी है मैं उसको रीड कर दे रहा हूं मगर आप लोगों को ये आंसर नहीं लिखना है आप लोगों को बनाने अपने पॉइंटर्स. What does the third level refer to? इसके लिए मैं एक पॉइंट दो पॉइंट कभी भी आप क्वेश्चंस याद कर रहे हो पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपके दिमाग में 5 पॉइंट्स होने चाहिए कि यार बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास 5 पॉइंट है अब उन पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करना है दैट इज योर क्लास. वहीं से किसी बच्चे को ज्यादा नंबर मिल रहे किसी बच्चे को कम नंबर मिल रहे वहीं से वो चीजें डिसाइड हो जाएंगी. सो इफ आई रीड दिस क्वेश्चन नाउ द थर्ड लेवल रेफर्स टू अ सबवे ऑफ द ग्रैंड स्टेशन सेंट्रल That takes passengers to Galesburg, Illinois. ये कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था. The third level of the station was a medium of escape for Charlie, the narrator, from the harsh realities of modern life. It provides him a base where he could interweave fantasy and reality. Now, अब ये interweave word जो है ना ये इस आंसर को काफी ज्यादा अच्छा बना रहा है कि हाँ अगर मैं ये कॉपीज चेक कर रहा हूँ So I'll be happy seeing some of these words interweave. क्यों यहाँ पे बात लिखी है फैंटेसी एंड रियालिटी क्योंकि उस स्टेशन में फर्स्ट और सेकेंड लेवल जो थे वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो फैंटेसी चल रहा था वो उसके दिमाग में चल रहा था. सो आई होप बच्चा पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बची है तो भाई बता दो कॉमेंट करके एंड लेट्स नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. Now, would Charlie ever go back to the ticket counter and on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? एक simple yes and no question है और उसको फिर justify भी करना है कि if you think yes he'll do that, so you have to tell the reason for that. And if you say नहीं sir वो नहीं जाएगा, so उसके लिए भी आपके पास एक appropriate logical reason होना चाहिए. So
आपको कल ही मैंने ये जो बातें बताई थी कि ये थर्ड लेवल और पोस्ट कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब यहाँ पे चल रहा था, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और उस स्टोरी में मैंने आपको ये भी बताया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि उसको कभी टनल दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, तो उसको बहुत सी ऐसी चीजें दिखती थी, बट उन किसी जगह पे भी वो दोबारा नहीं जा पाता था। दोबारा क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो जगह सिर्फ यहाँ पे थी उसके। आई होप ये बात क्लियर है। सो नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट टू गेट्सबर्ग इलिनॉइस, बिकॉज थर्ड लेवल वॉज इज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल इमेजिनेशन की जगह आप इल्यूजन लिख दो। इमेजिनेशन हर बच्चा लिख रहा है, आप इल्यूजन लिख दो, आपका आंसर उससे अलग दिखेगा। वर्ड्स को ऐसे ही रिप्लेस करना है। कोई नॉर्मल वर्ड आ रहा है, अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, मैं कुछ और अच्छा वर्ड वहां पे यूज कर दूं, तो चेक करने वाले पे एक इम्पैक्ट जाता है कि अरे वाह, वोकैबुलरी अच्छी है बच्चे की, मार्क्स दो, मार्क्स काटने नहीं है। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं? तो इल्यूजन लिखोगे कि इमेजिनेशन लिखोगे, ये बता दो मुझे, इल्यूजन लिखोगे या इमेजिनेशन लिखोगे व्हेन इट कम्स टू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर थर्ड लेवल। मूविंग ऑन गाइस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? यस ऑफकोर्स, थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप। जब मैंने कल आपको प्लॉट सब प्लॉट बताया था, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, समझाई थी। सो यस, आई थिंक दैट इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप। लाइफ इन मॉडर्न टाइम इज फुल ऑफ, ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे थे ना, ये वर्ड्स काफी ज्यादा रिपीट हो रहे थे, हमने कल भी देखा था ना कि यही फियर एंग्जाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स, फियर एंग्जाइटी वरीज वॉर स्ट्रेस इनसिक्योरिटी। एंग्जाइटी लिखा नहीं हुआ, एंग्जाइटी आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, इट विल नॉट चेंज द मीनिंग, इट विल डू नो हार्म टू यू गाइस, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। मैन हैज टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लेजेंट एंड इवन बियरेबल। सो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहे, देखो बात समझो, वो चार्ली के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे, वो पूछ नैरेटर के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे, जो आपका प्रोटैगनिस्ट था पूरे इस चैप्टर में। बट यहाँ पे आंसर करने में एक मैंने जनरल पर्सपेक्टिव भी दे दिया कि यार आज के समय में दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीपल हैव टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स डे इन डे आउट। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। डिप्रेशन ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, देयर नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ही वॉन्ट्स टू एस्केप टू अ विशफुल वर्ल्ड। चार्ली, अब फिर चार्ली पर आ जाते हैं कि चार्ली टॉक्स टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल। हिज फ्रेंड कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब जो हम दिन में खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, ठीक है। चार्ली पोजेसेस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी, इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियालिटी। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको क्या बोला, दैट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन समथिंग जो आपके आंसर को एक अलग अलग इंपॉर्टेंस देगा, अलग दिखेगा आपका आंसर बाकी लोगों से। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लिखना ठीक लगता है लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? नाउ स्टोरी के एंड में स्टूडेंट्स हमने ये चीज नोटिस करी थी ना, स्टोरी के एंड में हमने ये चीज नोटिस करी थी कि यार उसको एक लेटर मिलता है, एक ऑनवलप में उसको एक लेटर मिलता है। सो वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दैट? दैट इज वॉट दे आर आस्किंग। सो नाउ वॉट हैपन्स इज द वे चार्ली कम्स अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री। मिस्टीरियस तो था, क्योंकि यार वो ये कह रहा है कि जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसका उसको समझा रहा था कि ये थर्ड लेवल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, है ही नहीं, ये सब आपके यहाँ पे चल रहा है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। वही उसको लेटर लिख रहा है कि भाई मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, मैं लेमनेड वगैरह पी रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा है, और कह रहा है कि तुम भी आओ, कोशिश करो, तुम और भाभी जी तुम भी आ जाओ। दैट इज वॉट इज फ्रेंड सैम इज सेइंग। सो अमंग द ओल्डेस्ट वर्क लेटर कवर्स ही फाउंड एन एनवेलप। The envelope containing the letter bore the address of his grandfather. ठीक है, written कब था भाई? 18 जुलाई 1894. The postmark showed picture of President Garfield. ठीक है, generally first day covers are blank, but it contained a letter. The letter was addressed to Charlie.
And what did he say in that letter? He says ki in the letter he informed Charlie that he was living in the third level. He also told ki Charlie apni wife ke saath bhi third level pe aa jao. Clearly, letter was a product of Charlie's what? ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? क्या ये इमेजिनेशन लिखा हुआ है? प्लीज डोंट टेल मी कि ये इमेजिनेशन लिखा हुआ है. द लेटर वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इल्यूजन, नॉट हिज इमेजिनेशन. सो आई होप बच्चा बाटी क्लैरिटी है यहां तक. एनी वन एनी डाउट स्टिल नाउ? एनी वन है तो पूछ लो भाई. इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको आपके बुक में जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं या एक एक क्वेश्चन हम करेंगे. नहीं, हम एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे. हम वो समझने जा रहे हैं कि यार उस चैप्टर से कुछ भी आ जाए, मैं इक्विप्ड हूं, मुझे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे सर ने ये बता दिया कि आंसर राइटिंग करना कैसे है, अपने वर्ड्स का यूजेज कैसे करना है. बस मैं आप लोगों को इन चीजों की प्रिपरेशन कराना चाह रहा हूं. सो यस, इट कैन बी नॉट इमेजिनेशन, इट कैन बी इल्यूजन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, एज आई सेड, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस. वॉट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? वॉट आर द वेज? अब मॉडर्न वर्ल्ड बात आज की हो रही है, समझना, मगर मुझे स्टोरी का भी कुछ ना कुछ रेफरेंस यहां पर देना जरूरी है. इट के नॉट बी लाइक कि आप अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया आपने कि सर मैं तो जब फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है तो मैं डांस करने चला जाता हूँ, मैं सिंगिंग पे चला जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ. दैट कैन बी, दैट विल बी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग, बट स्टोरी से रिलेशन कैसे इसका? तो स्टोरी से रिलेट करना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. यस रिया, आई थिंक हो सकता है ब्लर दिख रहा हो. एज आई सेड, आप आंसर ये है, बट इसको एज इट इज कॉपी करने मत जाओ. आप चीजें समझने पर फोकस करो, दैट इज समथिंग जो हेल्प करेगा. ठीक है? सो Some people, someone saying, सलार, अनसीन पैसेज कराएंगे. देखो मैंने क्या बोला, मैं आपको दोनों बुक्स करा रहा हूँ, लिटरेचर की. उसके अलावा आपको राइटिंग स्किल्स, पैसेज में अगर कोई भी वीडियो चाहिए, सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट कर देना कि सर इस पर एक वीडियो ले आइए प्लीज. खत्म. वी विल डिसाइड कि जैसे ही टाइम मिलेगा लाइव ला सकते हैं, लाइव ले आएंगे, रिकॉर्डेड ला सकते हैं, रिकॉर्डेड ले आएंगे. सिंपल इज दैट. एक ही सॉल्यूशन है उस बात का. इसको चैप्टर से रिलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर से रिलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे वो यहाँ पे कह रहा है ना कि ये बात लिखी हुई थी कि चार्ली पोजेसेस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी, इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. रियलिटी मॉडर्न डे या प्रेजेंट टाइम के स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी, इन चीजों से परेशान होके ही इज डूइंग स्टैम्प कलेक्टिंग. स्टैम्प कलेक्टिंग इज फिलैटली इन दिस केस. ठीक है? Now let's come to the answer which I have here. So we can overcome the anxieties and insecurities bred by our inevitable existence in the modern world by getting involved in beneficial activities. Now you can write n number of activities. यहाँ पे मैंने stamp collection का mention नहीं किया है, but you can say just like Charlie used to do in the story, we can also do stamp collection and यू कैन सजेस्ट सम अदर वेज एज वेल कि यार मुझे बुक रीडिंग अच्छा लगता है, बुक रीडिंग कैन बी वन ऑफ द वेज. जो भी हॉबी बता रहे हो ना, उसके साथ साथ अगर बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो भी हॉबी आप बता रहे हो उसके एडवांटेजेस बता दोगे, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपका आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, येट चारों के आंसर इफेक्टिव भी हो सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम चारों के आंसर्स यही होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे. क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स एज फार एज दिस क्वेश्चन गोज? क्या इस बात की क्लैरिटी है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ठीक है? देन यहाँ पे लिखा हुआ है भी ट्रिप, एक्सकर्शंस, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, रीडिंग गुड बुक्स इज इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स विद ग्रेट इनसाइट. नाउ बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी उसने हल्का सा बताने की कोशिश कर दी. ठीक है? फिर आगे भी कह रहे हैं, दे नॉट ओनली एनरिच वास्ट नॉलेज बट ऑल्सो हेल्प लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. ये बुक रीडिंग है. फिर ज्वाइनिंग हॉबी क्लासेस लाइक जिम, अटेंडिंग सोशल एक्टिविटीज, बर्थडे, वेडिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं. डायरी राइटिंग, सोशल नेटवर्किंग. आई डोंट थिंक कि आज का बच्चा राइट डायरी राइटिंग करते होंगे आजकल स्टूडेंट्स. आई रियली डाउट दैट. मैं अपने टाइम पे बहुत डायरी राइटिंग करता था. आज मैं वो डायरीज देखता हूँ
तो मुझे लगता है कि मैंने कितनी गंदी इंग्लिश उसमें लिख रखी है मतलब। और यही हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि गलती कर करके एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। इसी एटीट्यूड को हमेशा लेकर चलना है। सो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है और इसमें आपसे गलती भी हो सकती है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में अगर आ जाए बच्चा पार्टी तो गलती मत करना। सो डू यू सी एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? नाउ व्हाट डज दिस मीन कि प्रेजेंट और पास्ट का इंटरेक्शन कहां पर स्टोरी में दिख रहा है? तो जहां जहां पर वो दिख रहा है वो सारे इंस्टेंसेस मुझे यहाँ पे आंसर में लिखने होंगे, ठीक है? ये मेरा अप्रोच होना चाहिए। सो इफ आई रीड, यस देर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, जैसे अगर उस मेट्रो उस रेलवे स्टेशन की बात करें, सो उसमें दो फ्लोर थे, ये रियलिटी है, और तीसरा फ्लोर नहीं था, ये इमेजिनेशन है। सो यस देर इज इंटरसेक्शन ऑफ थिंग्स, यस देर आर सर्टेन इंस्टेंस इन द स्टोरी दैट शो इंटरेक्शन इंटरसेक्शन रादर सॉरी। फर्स्टली द टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम व्हाइल द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन द 1890s, ठीक है? सेकेंडली चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा लिव इन प्रेजेंट टाइम, येट ही रशेस टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इन इलिनॉइस, दैट कुड बी दैट इज अगेन एन इंटरसेक्शन। देन ही फर्दर एड्स कि फर्दर द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म एट द थर्ड लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न डे। उसने बताया था कि वहां पे स्पिटून्स रखे हुए हैं, लाइट्स जो हैं वो गैस की हैं, ड्रेसिंग मेन का ड्रेसिंग उस टाइम पे कैसा है, सो 1890s का ड्रेस कुछ अलग दिखा रहे, चार्ली जो ड्रेस पहना हुआ है दैट इज डिफरेंट, सो दैट इज समथिंग विच इज अगेन इंटरसेक्शन ऑफ थिंग्स। सिमिलरली उसने वुमेन का ड्रेसिंग भी बताया, और यही सारे इंस्टेंसेस हैं विच एक्सप्रेस कि यस इट वॉज एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। लास्टली ये लिखा हुआ है कि भाई द लेटर दैट वॉज मेल टू चार्लीज ग्रैंड फादर हाईलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एज द सेंडर चार्लीज फ्रेंड एंड रिसीवर चार्ली दे बोथ बिलोंग टू द सेम एरा, दीज टू गाइज आर कंटेम्प्रेरीज, बट येट वो लेटर 1894 का दिखा रहा है बिकॉज इस पूरे चैप्टर में चल क्या रहा था, इस पूरे चैप्टर में इमेजिनेशन इल्यूजन यही तो चल रहा था, राइट? सो एनीवन एनी डाउट टिल नाउ है तो बता दो भाई। आई डोंट थिंक आई रियली एक्सपेक्ट आप चाहोगे एग्जाम में कि यार ये थर्ड लेवल से ना जितने क्वेश्चन आ जाए उतना अच्छा है मेरे लिए, थर्ड लेवल से जितने क्वेश्चन आ जाए आपके लिए उतना अच्छा है बच्चा पार्टी, क्योंकि थर्ड लेवल हम अच्छे से समझ चुके हैं, हम उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द टाइगर किंग। सो हु इज टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम? हमें पता है कि भाई महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम दैट वाज द टाइगर किंग, और उसको टाइगर किंग नाम क्यों मिला? बिकॉज ही वाज ब्रेव। अब उस ब्रेवरी को स्टोरी में कैसे एक्सप्रेस किया है उन चीजों पर फोकस करेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच विल फेच यू गुड मार्क्स। सो लेट्स रीड द आंसर नाउ। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। अब द 10 डे ओल्ड प्रिंस, 10 दिन ही हुए थे, 10 दिन में बच्चा बोलता नहीं है ऑब्वियसली, सो ही सेज कि यार ठीक है मर जाएंगे डाई कर जाएंगे दैट इज समथिंग एल्स, बट मोड ऑफ डेथ क्या होगा, डेथ कैसे होगी? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तान्या आप? लास्ट क्वेश्चन कह रहे हो? आते हैं बेटा उस पे, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। सो द 10 डे प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। द वाइज मैन वर बैफल्ड बैफल्ड एट दैट मिरेकल, दे वर शॉक्ड कि यार ये कैसे हो सकता है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ठीक है? The chief astrologer said that his death would come from a tire. The young prince growled and uttered terrifying words. कि मैं टायर से नहीं मरूंगा, जाके टायर्स से कह दो कि टायर्स बिवेयर, सॉरी टाइगर्स, टाइगर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो टाइगर्स बिवेयर। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, ही दस गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, सो दैट इज द रीजन। सो तानिया वाज आस्किंग कि सर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, सुनना क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन का इंटरसेक्शन कहीं पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बना लेने 5 पॉइंट। पहला कि भाई वो रेलवे स्टेशन में रियलिटी में 2 लेवल थे बट थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज समथिंग इल्यूजनल।
आप इसको कॉलम वाइज भी आंसर कर सकते हो, रियलिटी और इमेजिनेशन के पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर दो, 5 पॉइंट्स, वो भी आपके आंसर को एक अच्छा स्ट्रेंथ देगा, आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो बस उसमें इंस्टेंसेस बताने हैं दैट दे से कि भाई चार्ली और लुइसा लिव इन द प्रेजेंट टाइम बट येट ही स्टिल रशेस कि मैं 1894 का करेंसी मुझे बैंक से एक्सचेंज कराना है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन राइट इन दिस आंसर। आई होप तानिया अब क्लैरिटी है बेटा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। रॉयल इन्फेंट मतलब जो बच्चा था जब वो, तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने कल आपको जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो आई सेड कि उसका अपब्रिंगिंग कैसा था। उसका अपब्रिंगिंग वैसे ही था जैसे कि रॉयल फैमिली में होता है कि ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश टीचर, ही गॉट कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट एट द एज ऑफ 20। सो 20 तक उसकी कैसी अपब्रिंगिंग थी, ये बात एक्सप्रेस करी है। आई वुड से टाइगर किंग से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल नहीं करना चाहिए। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। सो टाइगर्स किल करने के लिए वो क्या करता है, तीन बातों का ध्यान देना है बस, सिर्फ तीन बातों का, क्योंकि पूरे पैसेज में, पूरे चैप्टर में रादर तीन ही इंस्टेंसेस बताए। पहला ये बताया कि भाई वो 70 तक पहुंच गया, अब उसके किंगडम में किंग्स टाइगर्स खत्म हो गए, आपको ये भी एक्सप्रेस करना है डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उस मैरिज के लिए लड़की ढूंढता है, वहां पे 29 टाइगर्स किल करता है, और लास्ट टाइगर जो दीवान पकड़ के लाता है कहां से, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो इस क्वेश्चन को सुनते से ही आपके दिमाग में ये तीन नंबर्स आ जाएंगे और इन नंबर्स के अराउंड आपको स्टोरी बनानी है। क्या ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बता दो भाई। बहुत आप लोगों को इफेक्टिव वेज बता रहा हूं जिसमें आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ आप निकल जाओगे। तो एक बार जरा आंसर देख लो और इसकी क्लैरिटी है या नहीं 70, 29 एंड 1 की, ये मुझे बता दो भाई कमेंट करके। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई विद इन 10 ईयर्स द महाराज वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई भी उसके फॉरेस्ट में। फिर ही सेंड द दीवान एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 30 टाइगर्स अभी भी बचे हैं। दीवान शडर्ड विथ फियर, दीवान को ये लग रहा था कि यार मुझे ही ना टपका दें महाराजा साहब। सो वो उन्हें बताते हैं कि यार एक ऐसी लड़की ढूंढो जिस जिसके किंगडम में टाइगर हो बहुत सारे। सो द दीवान शडर्ड विथ फियर, ही आस्क्ड द दीवान टू ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। देन ही वॉज टू इन्वेस्टिगेट इफ द गर्ल ही कुड मैरी इन द रॉयल फैमिली, वहां पे लार्ज टाइगर पॉपुलेशन है या नहीं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। एंड द महाराजा किल्ड 5 to 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, दस ही वॉज एबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, ही शॉट 99 टाइगर्स। लास्ट टाइगर वो नहीं मार पाया, बट अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करोगे इट विल डू नो हार्म, वो इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट है और उससे आपको आपका आंसर अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 70, 29 और 1 बस ये नंबर याद रख लेना और इसके अराउंड ही सारी कहानी चलने वाली है। नाउ हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर व्हिच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट। तो भाई 100th टाइगर की क्या स्टोरी थी कि दीवान उसको लेकर आ गया था, जंगल में छोड़ दिया था, महाराजा ने गोली चलाई, टाइगर ने एक्टिंग करी कि मैं मर गया हूं, पर टाइगर ने मस्त एक्टिंग करी वहां पे, टाइगर मरता नहीं, उसके कान के बगल से गोली निकलती है एंड देन जो उसके हंटर्स होते हैं राजा के वो उसको मार देते हैं। ठीक है, सो टाइगर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी यहाँ पे। महाराजा एंग्जाइटी रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन ओनली 1 टाइगर रिमेन टू बी किल्ड, ही वाज एंग्शियस एज वेल एज एक्साइटेड कि हाँ बस मैं अब अपने टारगेट के पास हूँ, एक टाइगर और मारा खत्म, फिर कहानी खत्म। सो ही थॉट दैट द 100 टाइगर ड्यूरिंग द डे एंड ड्रीम्ड ऑफ इट एट नाइट, दिन में भी उसको टाइगर दिखता था, रात में भी उसको टाइगर दिख रहा था सपने में, बट टाइगर फार्म्स रैन ड्राई। ठीक है, अब इफ ही कुड जस्ट किल 1 टाइगर द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, एज द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड सेड महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th टाइगर। सो ही वॉज गेटिंग एंशियस पर फिर टाइगर नहीं मिल रहा था तो वो सैड भी होता जा रहा था कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, टाइगर ही नहीं मिल रहा।
फिर एक दिन उसको पता चलता है कि नहीं भाई टाइगर आ गया है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 ईयर एग्जेम्पशन ऑफ फ्रॉम टैक्सेस। ही सेट आउट फॉर 101 बट द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड। द महाराजा कंटिन्यूड कैंपिंग इन द फॉरेस्ट एंड वेटिंग फॉर द टाइगर। सो इस तरह से ही डिसाइडेड कि यार लास्ट टाइगर कैसे मारेंगे, कहाँ मिलेगा एंड ऑल दीज थिंग्स। उसने बहुत सारे इनाम की घोषणा कर दी कि भाई जो भी टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको मैं टैक्स से फ्री कर दूंगा एंड ये सारी चीजें। व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिसप्रूव्ड? सो क्या उसकी एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, क्या वो सही थी या डिस्प्यूटेबल थी या गलत थी? टेल मी व्हाट मोर पॉइंट्स कैन यू ऐड हियर? बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। टेल मी इफ यू कैन ऐड एनी ऑफ द पॉइंट्स इन दिस केस। सो इन ऑर्डर टू सेव द स्किन, द दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। इट वॉज केप्ट हिडन इन हिज हाउस। वन मिड नाइट विद हेल्प ऑफ हिज एज वाइफ ही ड्रैग द टायर टू द कार एंड शॉव्ड इट इन द सीट। ही ड्रोव द कार, महाराजा को ले गया भाई एंड फिर उसको बाहर निकाला। नेक्स्ट डे द सेम टाइगर वॉन्डर्ड इन टू इन महाराजा प्रेजेंस। महाराजा वॉज ओवर जॉयड। उसको तो ऐसा लग रहा था वाह यार मजा आ गया, 100 टाइगर इसको मारा काम खत्म। उसके बाद कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। द हंटर्स फाउंड दैट द ओल्ड टाइगर वॉज नॉट डेड। इट हैड ओनली फेंटेड ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ द बुलेट। दे डिड नॉट वॉन्ट महाराजा टू नो द फैक्ट। अदरवाइज महाराजा उनको कहता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने गोली चलाई और टाइगर नहीं मरा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहां पर लिखी हुई है। फिर वही चीज कि द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरिड। उसके बाद इन्फेक्शन वाली चीज दे रखा है इन्होंने। द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डेड। ही कुड नॉट बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड। सिंपल। द प्रोफेसी वाज नॉट डिसप्रूव्ड एज द किंग मेट हिज डेथ विद द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ सिल्वर by the silver of a wooden sliver of a wooden tiger. The astrologer was already dead. He could not be punished or rewarded. अब वो नहीं हो सकता था, मगर जो उसने प्रोफेसी करी थी दैट वॉज 100% करेक्ट। जो उसने भविष्यवाणी करी थी दैट वॉज 100% करेक्ट, 100% एक्यूरेट। ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। देन द स्टोरी इज अ सटायर ऑन कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कंसीट इज एरोगेंस। जो पावरफुल लोग होते हैं उनका एरोगेंस होता है। So how does the author employ the literary device of a dramatic irony in the story? Now what is dramatic irony? Irony express कर रहा है। What is irony students? What is irony? CUET में पढ़ा चुका हूँ यार इतने सारे figures of speech और अभी भी आप मुझे irony नहीं बता रहे हैं, ऐसा कैसे? So ये question देखिए and try and answer the question कि भाई आप इसमें और क्या-क्या points अपनी तरफ से add कर सकते हो। On surface level, the Tiger King seems to be a simple story of a royal prince's growth, exploits as a king. The prophecies at his birth about the manner of his death make the story interesting by introducing the element of surprise and suspense. ये एक नॉर्मल बच्चे को ये स्टोरी समझ में आ रही है, बट अंदर क्या बात चल रही है इस पर जरा ध्यान देते हैं। सो अंदर ये बात चल रही है ऑन अ डीपर लेवल, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर बिकॉज टाइगर किंग जो था, टाइगर किंग उसके डेथ का रीजन क्या बनता है? एक वुडन टाइगर। वो इतने सारे 99 टाइगर्स, ओरिजिनल असली टाइगर्स को मार चुका था और एक टॉय से, टाइगर का टॉय था, उससे डेथ हो गई। सो दैट इज व्हाट द आयरनी ही इज ट्राइंग टू इवोक इन दिस केस। सो ऑन अ डीपर लेवल द स्टोरी इज सटायर ऑन दोज पीपल हु ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर। इट इज यूजली सीन दैट दोज इन पावर हैव टू मच प्राइड इन देमसेल्फ एंड व्हाट दे डू। Two such specimen are given in this case, Tiger King as well as the British officer. कैसे? The author employs dramatic irony and humor to show their fault and weakness. The words of these characters carry an extra meaning. They do not know what is going to happen. Tiger King resolves to hunt 100 tiger to disprove the prediction. In his stubbornness, he falls prey to a wooden tiger. एक wooden tiger का शिकार हो गया। The high rank British officer is equally vain. He is more interested in photograph with carcass than hunting itself. The Tiger King offers to organize any other hunt except tiger hunting. It may be boar hunt, mouse hunt, mosquito hunt. He has to lose 3 lakh of rupees for his refusal.
The ego of the British officer is satisfied when his wife is pleased to get rid of diamond rings that were sent by the Maharaja. So ये पूरी टाइगर किंग में किस तरीके से आयरनी को इन्वोक किया है, दैट इज समथिंग व्हिच वाज मेंशनड हियर. नाउ व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो ऑथर का इनडायरेक्ट कमेंट क्या है, वही बात है, वो बार बार कह रहा है कि जो पावर में होते हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, उनको लगता है जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते, एनिमल्स को मार दे रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, नेचर के साथ इम्बैलेंस कर रहे हैं. ये सारी चीजें मेंशन हुई, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी. सो फॉर सेंचुरीज इनोसेंट एनिमल्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. मैन हैज बीन किलिंग एनिमल फॉर वेरियस रीजन, स्पोर्ट, मीट एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. द ऑथर डज नॉट मेक एनी डायरेक्ट कॉमेंट अबाउट इट इन द स्टोरी. मैन एडवांसेस स्ट्रेंज लॉजिक टू डिफेंड इवन द अनलॉफुल एंड क्रूअल एक्ट्स. महाराजा कोर्ट्स की, भाई मैं जो भी टाइगर मार रहा हूँ वो मैं सेल्फ डिफेंस के लिए मार रहा हूँ. सो दैट इज वॉट ही इज सेइंग कि एनिमल्स के साथ कितना इल ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी. नाउ हु वाज डॉक्टर सडाओ एंड वेयर वाज हिज हाउस. स्टार्टिंग ही स्टोरी की वहां से हो रही है, दैट ही वाज अ डॉक्टर और उसका हाउस कहाँ पे था, बीच के पास था, कोस्टल एरिया में कहीं रहता था, तभी वो अमेरिकन नेवी का ऑफिसर सोल्जर उसे वहां दिखता है. सो डॉक्टर सडाओ की इज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट. 8 वैल्यूएबल ईयर्स उसने अमेरिका में दिए थे. दैट इज अगेन समथिंग जो मैं बता चुका हूँ क्या क्या वो करते थे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. नाउ हाउस कहाँ पे था, बिल्ड ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, एज आई सेड कि इट वॉज नियर वॉटर बॉडी. दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. इट वॉज ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट, कोस्ट पर उनका घर था. इजी क्वेश्चन आई वुड से, वॉट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन. सिंपल सी बात है, पहले यहाँ पे मुझे पूरी स्टोरी बताने नहीं जाना है कि वो मैन कौन था, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, ही वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. नहीं, सिंपल डायरेक्ट आंसर करें कि भाई पूछा क्या गया है. पूछा उन्होंने सिर्फ इतना है कि उसने क्या किया टू गेट रिड ऑफ दिस मैन. तो इसका आंसर सिर्फ ये हो सकता है कि वो जनरल के पास जाते हैं, ही इन्फॉर्म्स हिम अबाउट इट, और वो एक प्लान बनाते हैं कि उसको कैसे हम मार सकते हैं. बस सिंपल एक चीज है. सो डॉक्टर सडाओ हैड टोल्ड द जनरल दैट ही हैड ऑपरेटेड अपॉन अ व्हाइट मैन. जनरल प्रॉमिस टू सेंड कि भाई हम अपने लोग भेज देंगे, वो उसको मार देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बॉडी को फेंक देंगे. यही सारी बातें लिखी हुई है. सर्वेंट्स भी उसके चले गए, ये बात भी आई थिंक हम डिस्कस आज कर चुके थे. एंड आगे की इंफॉर्मेशन जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर सडाओ टोल्ड टॉम द व्हाइट मैन दैट ही वाज क्वाइट वेल. ही ऑफर्ड टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट. इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग ऑन इट. टॉम माइट बी एबल टू रो टू द लिटिल आईलैंड विच वॉज नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट लाइन. इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड. द वॉटर वॉज क्वाइट डीप, नो बडी लिव देयर एज इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म. सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, तो चिंता की बात नहीं थी, वो इजिली वहां पे पहुंच सकता था. ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. ही गेव द मैन हिज फ्लैश लाइट. ही वॉज टू सिग्नल ट्वाइस विद द फ्लैश लाइट एट द सनसेट इन केस हिज फूड रन आउट. इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट, ही वुड सिग्नल ओनली वंस. डॉक्टर सडाओ गेव द जैपनीज मैन क्लोज एंड कवर्ड हिज ब्लॉन्ड हेड विद अ ब्लैक डोथ. ब्लैक डोथ मतलब जो जापानीज लोग पहनते, तो उसको एक पूरा जापानीज अपीयरेंस दे दिया था ताकि उसकी जान बच सके. इन शॉर्ट डॉक्टर सडाओ हेल्प द मैन टू एस्केप फ्रॉम जापान. एट द सेम टाइम ही आल्सो गॉट रिड ऑफ द मैन. उसकी मदद भी कर रहा था, साथ के साथ वो अपने को भी बचा रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरी मुझे ही अरेस्ट कर लिया जाए. या उसकी वाइफ भी जो थी वो भी काफी टेंशन में आ गई थी कि यार अब इस आदमी को ठीक कर दिया है, अब ये इंजर्ड नहीं है, सो अब इसका कुछ ना कुछ तो हमें छुटकारा पाना ही पड़ेगा. देन हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन. मिस्टर लैम और डेरी ऑन द फेस ऑफ इट, जो हमने चैप्टर आज पढ़ा था, इस पूरी बुक में मुझे सबसे अच्छा चैप्टर यही वाला लगा था. ठीक है, सो मिस्टर लैम इज इनवाइट ओल्ड मैन विद अ टिन लेग. हिज रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ मेनी ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर. ही लिव्स ऑल अलोन इन हिज हाउस. देयर इज अ गार्डन नियर हिज हाउस. इट हैज राइप क्रैब एप्पल्स लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर. Now, Mr. Lamb is sitting in the garden when Derry climbs over the garden, और डेरी वहां पे पहुंच जाता है. अगेन इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी इसी सीन से हुआ था, तो ये क्वेश्चन आंसर करना कोई मुश्किल बात नहीं है.
Do you think all this will change Derry's attitude towards Mr. Lamb? Of course, his attitude changes. तो सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन है, क्या करना है? जनरल एटीट्यूड क्या था पहले मुझे ये बताना है, उनके बीच क्या कन्वर्जेशन होती है, किस कन्वर्जेशन पे डेरी अग्रीज विद मिस्टर लैम एंड किस कन्वर्जेशन पे डेरी डिसअग्रीज विद मिस्टर लैम, ये मुझे बताना है। एंड यस इट चेंजेस हिज एटीट्यूड, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बाद में डेरी मिस्टर लैम से मिलने आता है, बट इट्स टू लेट, जो हमने सुबह पढ़ा था कि ही डाइड। सो दैट इज वॉट यू नीड टू आंसर व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वही जो मिस्टर लैम ने उसको सिखाया अबाउट हाउ टू डील विथ लाइफ, दैट इज समथिंग जो उसको वापस वहां जाने के लिए मजबूर करता है। सो बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम सफर फ्रॉम फिजिकल इंपेयरमेंट। डेरी हैज वन साइड, भाई उसका बता दिया कि एक साइड एसिड से उसका फेस बर्न था, ओल्ड मैन का एक पैर नहीं था। सो अपार्ट फ्रॉम दीज डिसेबिलिटीज डेरी फाइंड साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटेड इन मिस्टर लैम्स लाइफ। द ओल्ड मैन ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स विद अ सेंस ऑफ एलियनेशन फेल्ट बाय हिम इज मोर पेनफुल देन द पेन कॉज्ड बाय द फिजिकल डिसेबिलिटी। डेरी ट्राइज टू अवॉइड मीटिंग पीपल, क्योंकि भाई उसको लगता है कि उसका फेस गंदा है, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग डर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस, मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम अ न्यू अप्रोच टू थिंग्स। ही टेल्स हिम टू सी हियर एंड फील एंड थिंक अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। ही शुड नॉट हेट पीपल, हेटरेड इज वर्स देन एसिड। ही हैज ऑल द गुड गॉड गिवन लिम्स, ही मस्ट टेक अ फर्म डिसीजन एंड वर्क टूवर्ड्स इट, ही विल सक्सीड। He should not be afraid of people and they'll not be afraid of him. All these factors drew Derry towards Mr. Lamb. All these factors. ठीक है। Moving on to the next question. In which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness? So, वो loneliness की बातें करता है, वो कहता है मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मुझे डार्क में रहना अच्छा लगता है। तो एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome those feelings? अकेले रह रहे हैं बट ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें करता था, दैट इज अगेन समथिंग जो बताना बहुत जरूरी है। सो इट इज इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले दैट मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ही सेज व्हेन इट इज बिट कूलर ही विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज एप्पल्स। ही मेक्स जेली, डेरी कुड हेल्प हिम। देन ही सेज ही इज इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी और एनीथिंग दैट इज गॉड मेड। इट मे बी अ पर्सन, फ्लावर, फ्रूट, ग्रास, वीड्स और रबिश। There are plenty of things to look at. क्या क्या वो things थी वो बताई उसने कि some of them are his crab apples or those weeds or a spider climbing on a silken ladder and the tall sunflowers. तो वो बाहर की चीजों में इतना, नेचर की चीजों में इतना इंटरेस्टेड इसीलिए है क्योंकि ही फील्स वेरी लोनली। बस यही बात यहाँ पर पूरी मेंशन है। As he said, he likes the light and the darkness. He hears wind coming through open windows. There aren't any curtains and windows as they either shut things out or shut things in. These are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome his loneliness. अकेले वो रहता था बट नेचुरल चीजों में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखता था, नेचर में अपने आप को इन्वॉल्व रखता था, दैट इज वॉट ही ट्राइज टू डू। एंड बच्चा पार्टी, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टूडे सेशन। बात समझना, फिर से बताता हूँ, द सेशन इज नॉट अबाउट कि हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बट हम अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, पॉइंटर्स कैसे बना सकते हैं, उन बातों पर हमें फोकस करना है। दिस इज आर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे क्लासेस के लिंक, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सीयूईटी एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स मिलता है। एंड दीज आर आर पेड कोर्सेज जिसमें आपको भी क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सो बच्चा पार्टी, दैट वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन। आई विल बी बैक टुमारो विथ फ्लेमिंगो के चैप्टर्स। मॉर्निंग में फ्लेमिंगो के चैप्टर्स का समरी पूरा समझेंगे कि चल क्या रही है कहानी, एंड इवनिंग में उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। एनी अदर थिंग, एनी अदर वीडियो दैट यू गाइज थिंक कुड बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, मुझे कॉमेंट करके बता देना। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।